डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ है जिसकी ये हकदार है और वो मुकाम कैसे मिल सकता है इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं गौतम बाली सर का सत्ताईस साल का अनुभव सत्ताईस मिनट में आपको मिलेगा बसरते कि आप लास्ट तक बने रहें दोस्तों नमस्कार आदाब शिश्रीकाल चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पिछले दिनों हमारे मेहमान थे गौतम बाली सर जो चेयरमैन हैं डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल एसओचम के आज फिर आप सबके अनुरोध पे आप सबके प्यार की वजह से एक बार फिर हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि गौतम सर आज फिर हमारे मेहमान हैं तो आइए हम सब लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ गौतम सर का स्वागत करें एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सर थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच थैंक यू सर इतना समय निकालने के लिए इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार महत्व मैं उन व्यूवर्स को जो पहली बार हमारे से जुड़े हैं इस इंटरव्यू को देख रहे हैं अगर आपने सर का पहले वाला एपिसोड अगर नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया हुआ है तो वो जरूर देखिए ताकि गौतम सर के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें किस प्रकार वो इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री को लेकर उनकी क्या सोच है क्या वज़न है तो इस एपिसोड को आप अच्छे से समझ पाएंगे अच्छे से देख पाएंगे पिछले एपिसोड में सर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की विज़न के बारे में हमने बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो एक इमेज है ये इमेज कब बदलेगी उसको लेके बातचीत की अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सर और बहुत सारे व्यूवर्स ने क्वेश्चन मेरे से किए हैं तो मैं पहले कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूँ सर एक व्यूवर ने प्रश्न पूछा है चूँकि आप इंडिया में भी काम कर रहे हैं और आप बाहर में विदेश में भी आपकी कंपनी काम कर रही है हिंदुस्तान में बिजनेस करना आसान है या विदेश में मेरा ख्याल से बिजनेस करना दुनिया के किसी भी कोने में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इसलिए लोग कम आते हैं बिज़नेस की तरफ जो को ज़्यादा प्राथमिकता बिल्कुल और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें क्योंकि इंडिया में नंबर वन पॉपुलेशन इतनी बड़ी है अपॉर्चुनिटीज आज के दिन पे भी बहुत कम हैं बाकी देशों में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं या पॉपुलेशन इतनी कम है या वहाँ पे इनकम का लेवल ज़्यादा है तो शायद उन देशों में तब भी मुश्किल होता है बट हमारे देश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की लोग पढ़े लिखे हैं पिछले सताइस साल से इस इंडस्ट्री के वजूद को देख चुके हैं आज के दिन पे कोई भी कंपनी हो जो बेहतरीन चल रही हैं बेहतरीन कंपनीज के अंदर बेशुमार टेस्टमोनियल्स हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है तो मेरा कहना यही होगा कि आज के दिन पे भी इंडिया में बिज़नेस करना बहुत आसान है और क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है सर लोगों को अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए अभी मार्केट खुल रही है लोगों को एक अपरचुनिटी चाहिए कोविड अभी गया है लोगों को एक बात पता चली है कि गिग इकोनमी क्या होती है लोगों ने समझा है कि एक सेकंड इनकम बनाना क्यों ज़रूरी है तो मेरा यही कहना रहेगा कि मेरे तो दिल में बसता है इंडिया तभी इंडिया के अलावा मुझे और कोई दुनिया अच्छी नहीं लगती दैट्स ग्रेट सर थैंक यू एक और व्यूअर का क्वेश्चन मैं लेता हूं सर अक्सर लीडर्स ओवर प्रोमिस करते हैं क्या करें और अक्सर हमारी इंडस्ट्री को लेके ये कहा भी जाता है कि इंडस्ट्री जो है ना सपने बेचने वालों की इंडस्ट्री है और बहुत उत्साह में कई बार लोग ओवर प्रोमिस भी कर देते हैं तो आपका तो इतना बड़ा तजुर्बा है सर क्या ध्यान रखना चाहिए आ, सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में लोग सपने बेचते नहीं हैं लोग सपनों लोगों को सपना देखना सिखाते हैं मेरा जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने कब जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने शुरू किए तो मैं यही लोगों से कहता था कि अगर आप किसी भी पंद्रह या सोलह साल के बच्चे लड़के या लड़की से पूछो तुम्हारी ड्रीम कार क्या है तो वो कहता है मर्सिडीज फरारी से लेके लैमबगिनी मैंने कहा जैसे ही किसी की उम्र जाती है तीस प्लस और उससे पूछो कि आपकी ड्रीम कार क्या है तो वो जो है वो कहना शुरू कर देता है करोला ओल्टस हो गई ये हो गई जहां से चालीस क्रॉस हुआ तो वो ऑल्टो पे आ जाता, आ जाता है जी कि यानी कि लोगों की जैसे उम्र बढ़ती है और उनको कोई मौका नहीं मिलता अपना सपने को साकार करने के लिए तो उनका सपना छोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनको अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं रहता नंबर वन हमारे यहां पे लोग सपना दिखाते नहीं है उनको एक रास्ता दिखाते हैं जहां से उनके सपने पूरे हो सकते हैं क्योंकि लोग जब लोगों की सफलता को देखते हैं अगर किसी ने दस साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में और सफलता पाई है तो लोग यही कहते हैं कि जो इसने दस साल में किया उसको मैं दो साल में कर लूंगा शायद लोग कर भी पाते हैं और कई लोग नहीं कर पाते जो आपका सवाल था जो हमारी एंटायर डायरेक्ट सेलिंग फर्टर्निटी है जो लीडर्स हैं जो अच्छी टीम बना रहे हैं जिन लोगों को इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा विश्वास है और उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना कैरियर चुना है मैं उनसे हमेशा एक बात कहूँगा कि अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके लोगों को सपने दिखाओ सर राइट right, सपने ज़रूर ज़रूर पूरे होते हैं बट उनकी जो आप ड्रीम बनाओ उसके अंदर उनके मील के पत्थर कि वो कैसे ग्रो करेंगे क्योंकि तो जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा बिजनेस रातों रात अमीर बनने का बिज़नेस नहीं है बिजनेस है जिसके अंदर लोगों को मेहनत करनी पड़ती है रिजेक्शन लेनी पड़ती हैं सफलता में कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं फिर खड़े होते हैं और बुलंदियों को छूते हैं तो जो नए लोग हैं जब उनको इन चीजों के बारे में आप पूरा का पूरा ज्ञान देंगे तभी वो आपके साथ टिक के रहेंगे नहीं तो इंडस्ट्री में होता क्या है लोग ज्वाइन किए एक महीने के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं तो लीडर से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी एक्साइटमेंट को को कंट्रोल कीजिए और पूरा पाथवे ऑफ सक्सेस लोगों बताइए संघर्ष भी बताइए कि ये गाड़ी लेने के लिए ये बंगला लेने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी इतना सब कुछ करना पड़ेगा और जर्नली क्या रहता है सर ज्यादातर लोगों को है ना वो मेहनत दिखती नहीं है या लोग देखना नहीं चाहते हैं बहुत बार नए लोगों को लगता है कि यार बस मुझे भी आ जाएगी इसकी आगे तो ये आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं एक इश्यू हो रहा इसलिए हम लोग सर इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आप किसी को अपनी गाड़ी के बारे में बताएं तो अपना संघर्ष साथ में ज़रूर बताएं कहीं वो ये नहीं देखे कि यार गाड़ी आ जाती है।, है उसको ये भी लगना चाहिए कि गाड़ी आने के लिए ये प्रोसेस है ये तरीका है इस प्रक्रिया से मुझे गुजरना पड़ेगा तब गाड़ी तब आ सकती है जैसे मैंने अभी आपके पिछले सवाल के ऊपर आंसर दिया कि अगर आपको दस साल लगे हैं सर तो मैंने एक महीना या एक साल नहीं कहा क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है और बड़ा नेटवर्क बनाने में समय लगता है राइट सर राइट और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा मैं जो हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी पहले बताता था कि पहला एक साल तो कम से कम आपको इस बिजनेस को सीखने में लगेगा उसके बाद आप कॉन्टिन्यूसली सीखते रहेंगे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वो संघर्ष जैसे आपको किसी और बिजनेस में भी करना पड़ता है इसमें भी करना पड़ेगा पर इस बिजनेस का फायदा क्या है नंबर वन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती नंबर टू आपको सपोर्ट करने के लिए आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के वो लोग जिनके पास अपार तजुर्बा है वो आपके साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा में लाके आपको हिम्मत देते हैं जो आपके और किसी बिजनेस में कोई नहीं आपके साथ खड़ा होगा ये हमारी इंडस्ट्री का फायदा है दैट्स ग्रेट सर आप सर 27 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं 27 सालों में इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ा 96 में 96 सिक्स सेवन एट में क्या था और अभी पिछले दो तीन साल में जो चीज़ें हुई हैं कुछ बदलाव महसूस करते हैं सर सर इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है 1996 में मुझे याद है कि वो ये समय था कि लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे क्योंकि ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी हुँ. और जैसे आपने बताया और मैं वही बताना चाहूँगा जिस कंपनी में मैं पहली ज्वाइन किया जो मेरा पहला प्यार है जब वहाँ पर गया तो मेरी पोजिशन थी डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग यानी कि खड़े होकर मार्केटिंग प्लान मैं दिखाया करता था जब मैं दिखाता था कि वहाँ पे कि तीन से ले कर पाँच साल के अंदर आपकी आमदनी कम से कम तीन से लेकर पाँच लाख रुपया होगी अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करोगे लोगों को विश्वास हो ना हो मुझे खुद विश्वास नहीं होता था क्योंकि मेरी तनख्वाह अठारह हज़ार थी जी राइट right? उस समय से लेकर अब तक इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ बदला सबसे बड़ी चीज बदली लोगों की सोच आज के दिन पे एक हजूम है एक बहुत बड़ी लीडरशिप है राइट right? जिन्होंने इस इंडस्ट्री को प्रूव किया और जो आज के दिन पे लोगों के लिए विश्वास के पात्र बन चुके हैं क्योंकि अगर ये लोग सफल होके एक कंपनी के अंदर पिछले 20 साल 22 साल 25 साल से लगे हुए हैं और अभी भी सफल हैं यानी कि इस इंडस्ट्री को कैरियर चुना जा सकता है उसके साथ साथ लोगों की बदली है सोच पहले होता क्या था कि लोग कहते थे कि इस दुनिया में सबसे कल आदमी कौन मैं कि मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं आज के दिन पे लोगों को पता चल चुका है कि अगर अपार सफलता पानी है तो आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से लोगों से मिलें किस तरह से मोटिवेट करें कैसे अपने आप को एजुकेट करें लोग आज के दिन पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं किताबें पढ़ते हैं क्यों क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट उनको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है दैट्स ग्रेट सर एक चीज़ मैंने महसूस की सर पिछले दो तीन साल में स्पेशली चार साल पहले हमने चैनल की शुरुआत की थी सर और हम किसी भी मेहमान को बुलाते हैं स्पेशली डायरेक्ट सेलर को तो बहुत सोच समझ के बुलाते हैं और कई बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को हमने बुलाया वो 10-12 साल से कंपनी में एसोसिएटेड है वो आया और दूसरी कंपनी में चला गया और लोग हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कई बार उठाते हैं तो मैंने ये महसूस किया पिछले दो तीन साल में बहुत क्या बोलेंगे उसको बहुत छीना झपटी वाला माहौल एक बन गया है तो ऐसे माहौल में आप भी रूबरू होते ही होंगे आपके सामने भी उस प्रकार की चीज़ें आती होंगी तो इस माहौल को कैसे बदला जाए और स्पेशली जो लोग थोड़ा इधर उधर जाते हैं तो है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर सर मेरा ये जो छीना झपटी का माहौल जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा ये कभी कोई कंपनीज नहीं करती सर मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि, कि किसी कंपनी ने किसी कंपनी दूसरी कंपनी के लीडर को अप्रोच किया हो ज्यादातर क्या लोग होता है कि जब लीडर कर, जहां पे वो काम कर रहा है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने आप डिसीजन लेता है किसी और कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पर मेरा एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में पता है कि दे आर नो फ्री लंचेस आप किसी भी कंपनी में जाएंगे कैसे भी प्लान में जाएंगे काम तो आपको करना वहां पर भी पड़ेगा ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है जब तक बुलंदियाँ रहती हैं चेक ग्रो कर रहा है सब कुछ स्टेबल है तब तक वो उस कंपनी के अंदर रहते हैं जहाँ पे चेक डाउन जाता है उसके साथ साथ उनकी हिम्मत डाउन जाती है और वो छोड़ के सोचते हैं कि एक आसान रास्ते में चले जाए मैं इंटायर लीडरशिप को यही कहना चाहूँगा सताइस साल से यहाँ पे हूँ इस इंडस्ट्री में आसान रास्ता कोई नहीं है आप जिस भी कंपनी के अंदर हैं उसके अंदर अगर आपने आपका चेक डाउन गया है पहले भी तो अप आप ही के करके गया था तो फिर से उसको क्यों नहीं आप आप ले जा सकते क्योंकि इस दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ऊपर से कभी नीचे नहीं आया और उसको फिर ऊपर नहीं उठाया गया जब आप हिम्मत रखते हैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हैं जैसे आप अपने बिजनेस को और उठाएंगे तो आपका बिजनेस और ज्यादा स्टेबल रहेगा आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सुरेंद्र जी मैं आपसे एक बात पर कहना चाहूंगा सताइस साल में इतने ऐसे लोगों को देखा जिनका काम ही था कि कूदना एक कंपनी से दूसरी कंपनी वो कंपनियां तो आज के दिन पे भी हैं पर वो लोग इस इंडस्ट्री से निराश हो इस इंडस्ट्री के आउट ही हो गए तो जब इस इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हैं जब आपने एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया उसी के अंदर मेहनत कीजिए इधर उधर जाने में कोई फ़ायदा कभी नहीं होता दैट्स ग्रेट सर ये तो संदेश हुआ सर लीडर्स के लिए हुँ. कि अगर बिजनेस डाउन हो गया कंपनी अच्छी है हुँ. तो मेहनत करके दोबारा उसको उठाया जा सकता है। और एक रियल लीडर की पहचान वही है सर जो विपरीत परिस्थिति में टफ़ समय में हुँ. अपनी यू नो काबिलियत को दिखाए और अपने बिजनेस को और कंपनी को ऊपर उठाए एक संदेश मैं चाहता हूँ सर आप कंपनीज़ को भी दें क्योंकि आपका इतना बड़ा तजर्बा है जो कंपनियाँ नई नई आई हैं और उनको कहीं ये लगता है यार इधर उधर से लोगों को ले उनकी लीडर्स को ले अपने साथ में जोड़ के हम लोग जल्दी ग्रो कर जाएंगे एक वर्ड पिछले दिनों हमारी इंडस्ट्री में आया सर एम मिनिमम गारंटी तो ऐसी कंपनियों के लिए स्पेशली आपका क्या संदेश जिनको लगता है कि यार इधर उधर से लाके हम लोग जल्दी बड़े हो जाएंगे सुरेंद्र जी मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये एक्चुअली कॉम्पिटिशन का रूल है सर राइट right? अगर आप देखेंगे कोक जो है वो पेप्सी के कस्टमर्स टूटने की कोशिश करता है पेप्सी जो है कोक के कस्टमर्स टूटने की कोशिश करती है हुंडई से लेके किया लेके मारुती सुजुकी से लेके ले सबके सब अपने एक दूसरे के कस्टमर्स को लेने की कोशिश करते हैं पर मैं अपने सताइस साल के तजुर्बे से एक बात कहना चाहूंगा हर एक कंपनी को कि जो लोग कहीं और से जंप करके आज आपके लालच से आ चुके हैं उनकी ये गारंटी नहीं कि अगले दो साल के बाद आप ही के साथ रहें क्योंकि अगर किसी ने उनको और नई कंपनी ने उनको बेटर ऑफर दी तो शायद आपके भी बिजनेस को छोड़ के चले जाए मैं सताइस साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं लगभग उन्नीस साल से ज्यादा हमारी खुद की कंपनी चल पड़ी है जो लीडर जिनको आप बनाते हैं राइट right, जो आपकी कंपनी के साथ ग्रो करते हैं वही लोग जो हैं आपके साथ हमेशा टिक के रहेंगे ये जो किराए पे आए या खरीद के अगर कोई आया वो आप लोगों के साथ ज़्यादा कभी टिक के नहीं रहेंगे तो हमेशा फोकस कीजिए अपनी लीडरशिप को एजुकेट करने का अपने लोगों को बड़ा बनाने का ताकि वो आपका परिवार हो और हमेशा आपके साथ रहें दैट्स ग्रेट सर पिछले तेईस साल का मेरा जो तजुर्बा है बाली सर मैंने भी ये महसूस किया कि अगर कोई व्यक्ति और कहीं से काम करके आता है तो वो एहसान जताता है ज़्यादा कि मैं सीख के आया था मैंने ये किया और मुझे ये चाहिए ये चाहिए उसकी बजाय अगर कोई एक नया बच्चा आता है उसको पहले कोई एक्सपोजर नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का उसको हम सिखाते हैं नो डाउट उस पर मेहनत करनी पड़ती है लेकिन वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ में काम करता है हमेशा वफ़ादारी के भाव के साथ में काम करता है और वो बहुत लंबा काम करता है मेरा पर्सनल ये मानना है कि मेरे पास अगर दो लोग आते हैं एक कहता है जी मैं दस साल का एक्सपीरियंस हूँ एक कहता है जी मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का डी पहली बार मालूम चला है तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि उस वाले बंदे के साथ में काम किया जाए मेहनत किया जाए वो जिंदगी भर मेरे साथ में रह बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो दैट्स ग्रेट सर आपने अपनी कम्युनिटी को संदेश दे दिया मैंने डायरेक्ट सेलर्स को संदेश दे दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इज्जत और बढ़े सर उसके लिए सीनियर लीडर्स को और क्या काम करना चाहिए सर स्पेशली वो लोग जो इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं बहुत सारा नाम है और इस इंडस्ट्री ने उनको सब कुछ दिया है उनका क्या फ़र्ज बनता है एज ए इंडस्ट्री लीडर वो इंडस्ट्री को क्या दे सकते हैं देखिए इंडस्ट्री की लीडरशिप की अगर बात करें या कोई भी लीडर हो किसी भी फील्ड में कॉरपोरेट में हो पॉलिटिकल लाइफ में हो सोशल लाइफ में कोई भी लीडर है मैं हमेशा कहता हूं कि लीडर को सारी दुनिया फॉलो करती है सर राइट right? जब दुनिया आपको फॉलो कर रही है दुनिया आपके जैसे बनना चाहती है आपकी हर एक एक्शन एक से दुनिया को कोई ना कोई संकेत जाता है तो मेरा लीडरशिप से हमेशा ये रहेगा कि अपने आप को हमेशा सेल्फ रेगुलेटेड रखिए अपने लिए नहीं उन लाखों चाहने वालों के लिए जो आपको पूछते हैं आपको मानते हैं आपका कोई भी एक्शन कोई बिहेवियर किसी तरह की चीज लोगों को निराश नहीं करनी चाहिए क्योंकि लीडरशिप कभी दी नहीं जाती लीडरशिप हमेशा ली जाती है और आपको जो लीडरशिप मिली है वो आपके काम करने के तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग है वो आपने जो लोगों के साथ अच्छा काम किया उनको एक सही रास्ता दिखाया उसके साथ है इस लीडरशिप को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है और मेहनत यही है कि आपको हर एक कदम अपना सोच के रखना है इसीलिए क्योंकि फिर से कहूँगा कि लाखों लोग आपको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं बाली सर well, आप एस की डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं एसोसिएशंस डायरेक्ट सेलिंग की बढ़ोतरी के लिए किस प्रकार से काम कर रही हैं आप ए एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की उसके साथ में भी जुड़े हुए हैं तो वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और दूसरी चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा जो कंपनियाँ इंडिविजुअल अपने लेवल पर तो काम कर रही हैं वो किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं है नहीं। तो क्या उनको एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहिए या नहीं Uh, मैं आपके दूसरे सवाल का आंसर पहले दूंगा प्लीज सर कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री को एक स्ट्रेंथ पे लेके जाना आई रियली अप्रिशिएट कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे अकेले भी होके बट जब आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं तो उसके करके जो आपका संगठन होता है वो स्ट्रांग बनता है और जो भी बॉडीज़ होती हैं रेगुलेटेड या जो पॉलिसी बनानी है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें तो इकट्ठे मिलके हमारी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एसोसिएशंस uh, के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं लास्ट ईयर भी जो पीएचडी की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स थी उसका भी मैं चेयरमैन रहा था और uh, शुरुआत से ले इस इंडस्ट्री के लिए जितनी भी एसोसिएशंस हैं मैं सिर्फ एक एसोसिएशन को नहीं कहना चाहूँगा जो एसोसिएशन इस इंडस्ट्री के हित के लिए काम कर रही हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है मैं यही कहना चाहूँगा ये जो रूल्स अभी आए हैं इनको रूल्स को लाना आसान नहीं था इनके ऊपर पिछले कम से कम 25 साल से लगातार एसोसिएशंस ने काम किया है और पिछले आने वाले कुछ सालों के अंदर ये काम और ज़्यादा तेज़ हो गया ताकि एसोसिएशंस के करके ही हम लोग यानी कि ये एसोसिएशंस जो हमारी हैं ये सरकार को समझा सकी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खूबियां क्या हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ज़रूरत क्यों है डायरेक्ट सेलिंग लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं मेक इन इंडिया तो हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी है कंपनीज हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा कैसे देती हैं जब स्किल इंडिया की बात आती है स्किल्स हम लोगों को कैसे देते हैं जब आत्मनिर्भर की बात आती है तो ये इंडस्ट्री कैसे आत्मनिर्भर बनाती है ये सब एसोसिएशंस ने मिल सारी की सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को इसके बारे में बताया जिसकी अवेयरनेस के करके वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये गाइडलाइंस लाई जो हमारी एसोसिएशन के करके ही संभव हो सका थैंक यू सो मच बाली सर आपने कई तरीके से इंडस्ट्री की सेवा की है पहले ट्रेनिंग देके सेवा की फिर एज ए कंपनी स्टार्ट करके लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी दी इंडस्ट्री की एसोसिएशन के रूप में भी आप बहुत आगे काम कर रहे हैं हम लोग यही चाहते हैं सर आप बहुत स्वस्थ रहें बहुत लंबा जीवन जिए ताकि आपका ज्ञान आपकी नॉलेज आपकी जो ऊर्जा है ये हम सब लोगों को मिलते रहें और इसी प्रकार से हम इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं और जैसा आपने पिछली बार बताया था कि अगले पंद्रह सालों में आपको दिखता है कि हम दुनिया की तीन बड़ी मार्केट में से एक होंगे तो आपका आशीर्वाद और आपकी ब्लेसिंग इंडस्ट्री को ज़रूर मिलती रहें सर ऐसी शुभकामनाएं ऊपर वाले से है प्रार्थना है थैंक यू सो मच और एक बार फिर सर दिल की गहराई से हमारे पूरे व्यूअर्स की तरफ से और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से जो आपने कंट्रीब्यूट किया है पिछले 27 सालों में दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी लास्ट मैं जो कुछ कहना चाहूँगा मेरा हमेशा ये सो, सोचना है और मानना है जिसके ऊपर मैंने काम किया कि अगर हमारी धरती के ऊपर सबसे नेक अगर कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी खुद गलतियाँ करके अपने डाउनलाइंस को सिखाता है ताकि वो गलतियां ना करें उसको अगर समय ज़्यादा लगा है वो कम समय में अपने आ, लोगों को सिखा के उनकी टीम्स बना के उनको एजुकेट करके कोच करके दूसरों की ज़िंदगी को बदलता है ताकि जाओ और खुद खड़े हो तो इस दुनिया में इससे कोई नेक काम नहीं हो सकता दूसरा मैं इस इंडस्ट्री का थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने मुझे ये पहचान दी अगर मैं कहीं और किसी इंडस्ट्री में होता तो इतना प्यार इतना मान सम्मान जो मुझे इस इंडस्ट्री में मिला है मुझे किसी और इंडस्ट्री में या कहीं पे नहीं मिल सकता सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सुरेंद्र वत्स जी का मुझे आज इन्वाइट करने के लिए इट वॉज़ अ प्लेजर आप लोगों से बात करने के लिए अगर हम सब मिल के सर सब लोगों की डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग जो विश्वास रखते हैं उनकी ज़िंदगी को बदल सके मेरा ख्याल से हमारे जिंदगी का कार्य पूरा हो जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर ये एक बेड़ा हमने उठाया था और आपने आके हमारा हौसला बढ़ाया सर थैंक यू सो थैंक यू सर थैंक सो थैंक यू सो सो बहुत एनर्जेटिक इंटरव्यू बहुत सारी जानकारियाँ गौतम वाली सर की यही खूबी है कि वो जहाँ भी होते हैं एनर्जी का एक अलग प्रभाव वहाँ पे हमेशा रहता है अगले मंगलवार को रात्रि आठ बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद